हे गाइस, कैसे हो यार सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बिगेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उन गेम्स के बारे में जिनका मैप आप लोग अगर पूरा फिरना शुरू करो तो आप लोगों को घंटों नहीं, दिन नहीं, बल्कि महीनों भी लग सकते हैं। कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि हमारे अर्थ के साइज के जितनी है, और कुछ तो ऐसी गेम्स हैं जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ से भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सारी की सारी गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा और बहुत ही कमाल सा और बहुत फाड़ होने वाला है आज का वीडियो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर फर्स्ट पे हमारे पास असैसिन क्रीड ओडिसी। अब दोस्तों, असैसिन क्रीड ओडिसी एक अच्छे ग्राफिक्स और एक अच्छी स्टोरी लाइन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ इस गेम का मैप 90.7 स्क्वायर माइल लंबा है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जाएंगी मेजर कंट्री ग्रीस की, जिनमें आप लोगों को दिखाई जाएंगी एथेंस, स्पार्टा, टिम्बस और बहुत सारी और भी लोकेशन है जो की रियल वर्ल्ड में भी है, लेकिन उनको एंशियंट टाइप के हिसाब से सेट किया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैलीज दिखाई जाएगी, बहुत सारे माउंटेन है क्लाइंब करने के लिए, बहुत सारे टेम्पल है फिरने के लिए, और अमेजिंग ग्राफिक्स के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा ओशियंस भी हैं, यानी कि बहुत ज्यादा समंदर है। और असैसिन क्रीड ओडिसी अगर आप लोगों ने खेली हो तो आप लोगों को पता होगा कि असैसिन क्रीड ओडिसी का एक बहुत बड़ा पार्ट पानी है, जो कि काफी ज्यादा जगह लेता है, तो वो भी काफी ज्यादा सही चीज है। लेकिन ये बहुत ज्यादा लिव्ड इन गेम आप लोगों को शायद से ना लगे, यानी कि अगर आप लोग वैली से दूर जाओ, सिटी से दूर जाओ और माउंटेन वाली साइड पे जाओ, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप खुद ही पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो वो एक चीज थोड़ी सी इसमें मुझे लगी है कि होनी चाहिए थी, यानी कि लोग वहां पे भी होने चाहिए थे, एम्प्टी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाकी अगर आप लोग इस गेम में अपना ईगल विजन यूज करो, यानी कि ईगल आई से आप लोग देखो ऊपर से जो एक ड्रोन व्यू सा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है यार, यानी कि खेल के मजा आ जाता है जिंदगी का। दोस्तों, नंबर सेकंड पे हमारे पास रेड डेड रिडेम्पशन 2। दोस्तों, रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक बहुत ज्यादा अमेजिंग ग्राफिक्स का रॉकस्टार का गेम है, लेकिन इसी के साथ में रेड डेड रिडेम्पशन 2 का मैप भी बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत बड़ा है। रॉकस्टार वालों ने ये पोस्ट भी की थी कि उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैप क्रिएट किया है रेड डेड रिडेम्पशन 2 में। मैप तो आप लोगों को हिस्टोरिकल मैप दिखाया जाएगा यहाँ पे, और आप लोगों को ये लगेगा भी बड़ा, और उसकी मेन रीजन यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास कोई फास्ट ट्रैवल नहीं है, यानी कि आप लोग घोड़ों पे सिर्फ सवारी कर सकते हो या ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की सवारी कर सकते हो, तो वो एक आप लोगों को लंबे रास्ते वाली फील आएगी। यानी कि आप लोग अगर फास्ट ट्रैवल करो तो ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है, जबकि अगर आप लोग घोड़े की कमर पे बैठ के चल रहे हो तो आप लोगों को जाहिर सी बात है दुनिया बहुत बड़ी बड़ी लगेगी और रास्ते बहुत ही ज्यादा लंबे लगेंगे। इस गेम में 5 डिफरेंट स्टेट है। एक तो है सबसे पहले न्यू ऑस्टन, जो की डेजर्ट है। दूसरा है वेस्ट एलिजाबेथ, जहाँ पे है ब्लैक वाटर और बाकी चीजें। तीसरा है न्यू हैनोवर, जहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है और जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह है। तीसरा है लेमोइंग, जो की बहुत ज्यादा फाड़ और बहुत कतई सही वाली सिटी है। और लास्ट है एम्ब्रियानो, जो कि स्नोई माउंटेन है और बस और कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हिल्स वगैरह है। नंबर 3 पे दोस्तों हमारे पास है फोर्जा होराइजन 4। अब ये इस लिस्ट का फर्स्ट रेसिंग गेम है, जो कि ओपन वर्ल्ड तो है ही है, तो अब यहाँ पे और तो कुछ करना ही नहीं है, यानी कि ड्राइविंग करनी है और रेसिंग करनी है, तो ड्राइविंग और रेसिंग करने के लिए बहुत बड़ा मैप भी चाहिए। तो फोर्जा होराइजन वालों ने यही किया, यानी कि इस गेम में आप लोगों को देखने को मिलेगा 134 केयर किलोमीटर का मैप, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, और बाकी ओपन वर्ल्ड रेसिंग है और इसके ग्राफिक्स भी बहुत ज्यादा कदई फाड़ है। इस गेम में जो आप लोगों को लोकेशन दिखाई जाती हैं, वो इंग्लैंड की कंट्री साइड वगैरह दिखाई जाती हैं, तो वो उसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं है। लेकिन जो चीज इस गेम में ज्यादा मजे की है वो है सीजन का सिस्टम, यानी कि इसमें आप लोगों को डिफरेंट सीजन दिखाए जाते हैं, जैसे कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, और उसका रियल टाइम में इम्पैक्ट भी पड़ता है आपकी रेसिंग पे, यानी कि अगर बर्फ होगी तो आप लोगों की कार स्लिप होगी, जो कि एक अच्छा और बहुत तगड़ा रेसिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, नंबर 4 पे हमारे पास GTA 5। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले बताया तो है कि रॉकस्टार वालों ने पोस्ट किया था कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 का मैप उन्होंने सबसे बड़ा अब तक बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आप लोग दोनों मैप्स को कंपेयर करो, यानी कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 के मैप को और GTA 5 के मैप को, तो आप लोगों को नजर आएगा कि GTA 5 वाला मैप थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, आप लोगों को ऐसा जरूर फील हुआ होगा कि GTA 5 थोड़ी सी छोटी है रेड डेड रिडेम्पशन 2 से, और वो इसलिए ही है क्योंकि GTA 5 में फास्ट ट्रैवल, यानी कि आप कार, बाइक, प्लेन सब कुछ उड़ा सकते हो, चला सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को मैप छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में GTA 5 का मैप रेड डेड रिडेम्पशन 2 से बड़ा है।
दोस्तों नंबर 5 में हमारे पास गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट। दोस्तों गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट एक मिलिट्री टाइप गेम तो है ही, लेकिन इसका मैप बहुत ज्यादा ह्यूज है, यानी कि 781 स्क्वायर माइल्स का ये मैप है यार। यानी कि असैसिन क्रीड ओडिसी का मैप 97 स्क्वायर माइल था, तो आप लोग हिसाब लगा ही सकते हो कि कितनी बड़ी गेम है यार। इस गेम में जो आप लोगों को आइलैंड दिखाया जाता है वही इतना बड़ा है, तो बंदा क्या ही कर सकता है उसमें। यानी कि एक अच्छे विजुअल ग्राफिक्स तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाए जा ही रहे हैं, बाकी आप लोग मिशन वगैरह कर रहे हो, जो गेम की स्टोरी चल रही है, फाइट कर रहे हो एनिमी से, आप लोग कह सकते हो एक माफिया टाइप कंपनी ने वहां पे उस आइलैंड को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह भी है और बाकी आइलैंड का समुंदर भी है और सारा कुछ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैसिवली बड़ा है ये गेम। लेकिन इस गेम में भी वही चीज है जो कि असैसिन क्रीड ओडिसी में थी, यानी कि ये इतना ज्यादा लिव्ड इन गेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं ही नहीं। कुछ लोग हैं माफिया गैंग्स वाले और कुछ लोग हैं आपके साथ, यानी कि रेजिस्टेंस करने वाले मिलिट्री के लोग, लेकिन भाई साहब मैप तो कतई बहुत ज्यादा फाड़ है। दोस्तों नंबर 6 पे हमारे पास द क्रू 2। अब एक और रेसिंग गेम आ जाता है, लेकिन इस रेसिंग गेम को भाई साहब अगर मैं ना लेता तो भाई बहुत ही ज्यादा जाती हो जाती इस गेम के साथ। यानी कि इस गेम का एक्चुअल में पूरा का पूरा मैप है 2000 से लेकर 2700 स्क्वायर माइल के बीच में, यानी कि पिछली गेम से 1200-1500 स्क्वायर माइल से बड़ा ये गेम है। इस गेम को आप लोग कह सकते हो कि ये चाइना का यूएस दिखाया गया है। चाइना का यूएस से मेरा मतलब ये है कि यानी कि आप लोगों को इसमें सारा का सारा यूनाइटेड स्टेट दिखाया जाएगा, उसमें सारी सिटीज है, सब कुछ है। हाँ थोड़ा छोटा छोटा है सब कुछ, लेकिन हर चीज डिटेलिंग के साथ इसमें ऐड की गई है। थोड़ी लोकेशन डिफरेंट है इस गेम में, ताकि जो लोग यूएस में रहते हैं वो बोर ही ना हो, कि यानी कि बाहर भी जाके उन्हीं सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं और गेम में भी उन्हीं सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो एक चीज है इसमें। लेकिन इस गेम में जो अपनी पिछली गेम से एक ज्यादा नई चीज है वो ये है कि इसमें बाइक भी चल सकती है और इसमें प्लेन भी उड़ाया जा सकता है और बोट भी चलाई जा सकती है, तो ये नई चीज है जो कि क्रू 1 में नहीं थी। दोस्तों नंबर 7 पे निकल के आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लाइट सिमुलेटर। अब इस गेम के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, यानी कि ये गेम हमारी अर्थ पे बेस है, यानी कि ये हमारी सिटी है, यानी कि ये अर्थ ही है पूरा का पूरा। इसमें सारे के सारे वही मैप्स हैं जो कि एक्चुअल में हैं इस वक्त करंटली पूरी दुनिया के। तो अगर आप लोगों ने कहीं भी जाना है, कहीं भी उड़ के ऊपर अपना होम टाउन देखना है, होमलैंड देखना है, तो ये एक बहुत अच्छा गेम है आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए गए हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जा सके चीजों को, लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी सिटीज, कंट्रीज, बिल्डिंग वगैरह सारी सेम ही है इस गेम में। आप लोग अपनी कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर सकते हो, आप लोग जहाँ चाहो जा सकते हो और बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो उड़ के, तो वो भी एक बहुत ज्यादा सही चीज है और बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है। और बाकी ग्राफिक्स की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा मले के और कतई फाड़ ग्राफिक्स हैं यार इस गेम के। दोस्तों नंबर 8 पे हमारे पास स्टार सिटीजन। अब दोस्तों यहाँ से वो गेम शुरू हो गई है जो कि अर्थ के साइज से भी बड़ी होने वाली है, और स्टार सिटीजन उनमें से सबसे पहली गेम है ये। और तो कुछ नहीं है, ये एक स्पेसशिप गेम है जो कि अभी तक आई नहीं है मार्केट में, और कुछ लोगों का कहना है कि ये कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि भाई साहब इस गेम को स्टार्ट किया गया था 2012 में डेवलप करना, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं इस गेम पे, अभी भी डेवलपमेंट चल रही है और बहुत सारे लोगों को इस गेम के साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये क्राउड फंडेड गेम है। अब क्राउड फंडेड गेम वो होती है जिसको लोग अपने पैसों से बनाए, यानी कि लोगों की डोनेशन से जो गेम डेवलप हो उसको कहते हैं क्राउड फंडेड गेम। अब इस गेम के लिए लोगों ने $300 मिलियन की डोनेशन की थी यार, यानी कि एक गेम के लिए इतनी ज्यादा डोनेशन की थी लोगों ने, और एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बहुत ज्यादा हाई है इस गेम को लेके। इसका अल्फा और बीटा वर्जन तो आ ही चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो कह रहे थे कि भाई ये गेम अब क्यों नहीं रिलीज हो रही, और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे क्योंकि लोगों के पैसे लगे हैं यार। तो अल्फा और बीटा वर्जन आप लोग खेल सकते हो, मार्केट में आ चुका हुआ है, डाउनलोड करो, लेकिन इस गेम में आप लोगों को रियल मनी से शिप बाय करना पड़ेगी। और ग्राफिक्स तो भाई साहब UHD ग्राफिक्स है, यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स इस गेम में यूज किए गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे अब मैप की बात करूँ तो भाई अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ, गेम डेवलपर का कहना है कि वो इस गेम को 400 क्वांटा ट्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर का बनाने वाले हैं। भाई साहब मुझे तो बोलते हुए इतना टाइम लग गया, यानी कि इतना बड़ा ये गेम होने वाला है और आप तो अपनी जिंदगी में कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते अगर इतना मैप बड़ा होगा तो। तो भाई साहब ये गेम अगर आउट हो गई तो भाई लोगों की तो जिंदगियां लग जाएंगी, लेकिन गेम खत्म नहीं होगी। दोस्तों नंबर 9 पे हमारे पास ईव ऑनलाइन। अब ईव ऑनलाइन के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, ये एक बहुत ज्यादा मैसिव
ओपन वर्ल्ड तो नहीं कह सकता मैं, मुझे कहना चाहिए ओपन यूनिवर्स गेम है, यानी कि इसमें आप लोगों को भी स्पेसशिप ही देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर जमा होते हैं और फिर वो अपनी स्पेसशिप वगैरह बनाते हैं, उनमें कस्टमाइज वेपन लगाते हैं और फिर अगेंस्ट लड़ते हैं एक दूसरे के, बैटल रॉयल टाइप जो गेम होते हैं वैसा। लेकिन इसमें आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी बनानी होती है। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि लोग इस गेम पे हजारों नहीं लाखों के हिसाब से डॉलर्स लगा चुके हैं, यानी कि स्पेसशिप अगर आप लोगों ने अपनी कस्टमाइज करनी है, उसमें एडवांस वेपन लगाने हैं, तो वो रियल मनी से बाय होते हैं। और गेम के साइज की बात करूं, यानी कि मैप का साइज जो है, उस मैप में सिर्फ इतना सुन लो कि 8000 सिस्टम हैं, यानी कि 8000 सिस्टम है जिनको आप टोटली विजिट कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, कर लो यार, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इंसान अपनी एक जिंदगी में कर पाएगा। यानी कि इस गेम का पूरा एरिया है 249.6 ट्रिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब हिसाब लगा लेना यार कि ये कितना बनता है। और लास्ट गेम पे जाने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी कर दो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर दो यार, अभी कौन सा वीडियो आप लोगों ने बंद कर दिया, अब जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ वो घंटी वाला आइकन है उसको जल्दी से दबा दो और दबा को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मुझे नहीं पता आप लोग उसमें मुक्के लाते घुसे जो मर्जी मारो, बस सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और दोस्तों अब निकल के आता है अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10th गेम, जो कि है नो मैन्स स्काई। अब दोस्तों ये भी एक ओपन यूनिवर्स गेम है, और इस गेम की एक बात यह है कि आप लोग जितना आगे इस गेम में जाओगे इसका यूनिवर्स खुद ही बनता ही रहेगा, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला। इस गेम में हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से डिफरेंट है, उसका बायोम डिफरेंट है, उसका वेदर डिफरेंट है, वहां पे प्लांट डिफरेंट है, वहां पे एनिमल डिफरेंट है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ या दूसरे प्लेयर्स के साथ भी ऑनलाइन होकर खेल सकते हो, जो कि आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि अकेले खेलोगे तो आप लोगों को थोड़ा एम्प्टी फील होगा, लेकिन इस गेम में बहुत ज्यादा एंडलेस एडवेंचर है, यानी कि कभी नहीं खत्म होने वाला एक्सप्लोरेशन इस गेम का। इस गेम में 250 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, 250 से भी ज्यादा गैलेक्सीज और 18 क्वांट्रिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ एक प्लैनेट को एक सेकंड में भी विजिट करो तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने सालों तक यही करते रहोगे, लेकिन ये गेम खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी गेम जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी, जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन रुक जाओ, अभी वीडियो बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है यार आप लोगों को, अभी हमारे पास पड़ी हुई है कुछ ऑनरेबल मेंशन जिनको इस वीडियो में लेना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, वरना मैं समझता कि मैं इन गेम के साथ ज्यादा कर रहा हूं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है असैसिन क्रीड वालहाला। अब ये गेम अपनी बाकी गेम जितनी बड़ी तो नहीं है, यानी कि असैसिन क्रीड ओडिसी से ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आइलैंड पे वाटर है, विलेजेस हैं, और इसमें दो मिथिकल रियल्म है, यानी कि एक है एस्गार्ड और दूसरा है यूतनहाइम। नंबर सेकंड पे हमारे पास जस्ट कॉज 4। दोस्तों ये गेम 395 स्क्वायर माइल्स के है और ओपन वर्ल्ड तो है ही, लेकिन आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ज्यादा एम्प्टी लगेगा, थोड़ा आप लोगों को बोरिंग भी हो सकता है लगे ये गेम। लेकिन हम मजे वाले गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम किन गेम्स का मैप बड़ा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये गेम एक अच्छा गेम है। थर्ड है एलीट डेंजरस। दोस्तों ये गेम और कुछ भी नहीं है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, एक आरपीजी गेम है जिसमें 400 बिलियन स्टार है, 400 बिलियन कह रहा हूँ मैं यहाँ पे बिलियन, और सारे के सारे स्टार्स वगैरह जो है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और उनमें आप लोगों को कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे स्टार जहाँ पे आप लोगों को लगे कि ये हमारे अर्थ से मिलते जुलते हैं। और दोस्तों हमारी लास्ट ऑनरेबल मेंशन, यानी कि लास्ट इस वीडियो का गेम, वो है माइनक्राफ्ट। अब दोस्तों माइनक्राफ्ट का पूरा एरिया है 600 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो कि हमारे अर्थ से भी बड़ा है, अर्थ से, यानी कि आप लोग सारा दिन सारी रात भी लगे रहो तब भी आपको महीनों नहीं, मेरे ख्याल से शायद सालों लग जाए इस गेम को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों ये थी वो सारी की सारी गेम जो कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बतानी थी। होप कर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और जाने से पहले तो जरूर से ही करके जाना, क्योंकि पता नहीं फिर आप लोग कब आओ चैनल पे कब ना आओ। तो सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोगों को मेरा चैनल जल्दी से मिल जाएगा और आप लोग ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा देख सकोगे, वो भी मजे लेके। तो बस दोस्तों मैं हूं आपका ब्रो यानी असैसिन ब्रो, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।